हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुचिज वेज किचन। और आज हम बना रहे हैं इंदौर का बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड भुट्टे का कीस। बारिश की सीज़न में ये भुट्टे से बनने वाला ये नाश्ता बहुत ही हेल्दी और टेस्टी भी है। तो चलिए देखें इसकी रेसिपी। भुट्टे का कीस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 बड़ी साइज़ के भुट्टे लिए हैं। ट्रेडिशनली ये डिश बनाने के लिए देसी भुट्टों का इस्तेमाल होता है। वैसे ये डिश स्वीट कॉर्न से भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। आपके पास जो अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। भुट्टों से हमें ये छिलके निकाल देने हैं और उसके साथ जो लगे हैं फाइबर्स हम उसे भी निकाल देंगे। अब इन भुट्टों को हमें कद्दूकस करना है, तो यहाँ हम मीडियम साइज़ की जाली का इस्तेमाल करेंगे भुट्टों को कद्दूकस करने के लिए। और भुट्टे का जो बीच का हिस्सा है हमें उसे निकाल देना है, सिर्फ हमें इसके दाने ही कद्दूकस करने हैं। इस रेसिपी के लिए अगर आप चाहें तो रेडीमेड भुट्टे के दाने मिलते हैं वो, या फ्रोज़न दाने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आप इसे मिक्सर जार में हल्का सा पीस लीजिए दरदरा और वो रेडी हो जाएगा। लेकिन जो कद्दूकस किए हुए भुट्टे का टेस्ट आता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, तो मैं पर्सनली यही प्रिफर करती हूँ। ये देखिए हमने कद्दूकस कर लिया है और बीच के हिस्से को हम निकाल देंगे। कद्दूकस करते वक्त जो ये मिल्क रिलीज़ होता है भुट्टे से, वो डिश को और भी ज़्यादा टेस्टी बना देता है। अब हम एक पैन में 2 से 3 बड़ी चम्मच जितना तेल गरम करेंगे। आप चाहे तो इस डिश में घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और जब ये अच्छे से गरम हो जाए हम इसमें ऐड करेंगे राई के दाने, थोड़ा सा जीरा, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा बारीक कद्दूकस किया हुआ अदरक, कुछ करी पत्ते, और इसे अच्छे से हम 2 से 3 सेकेंड्स के लिए पका लेंगे। और बाद में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हींग और हल्दी, और उसके तुरंत बाद ही हम इसमें ऐड कर देंगे कद्दूकस किया हुआ भुट्टा, और उसके साथ जो मिल्क रिलीज़ हुआ है वो भी हम साथ में ही ऐड करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे शुरू में 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए इसे पकाएंगे। आप चाहे तो इस डिश में लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है वो काफ़ी तीखी है, तो मैं इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूँगी। टेस्ट पे अगर वेरिएशंस पसंद है तो आप इसमें साबुत धनिया और सौंफ को दरदरा कूट के भी ऐड कर सकते हैं, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिक्सचर गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। तो 2 से 3 मिनट तक इसी तरह हम इसे पकाएंगे। और अब इसमें हम ऐड करेंगे दूध। यहाँ पर मैं 1/2 कप दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये स्वीट कॉर्न है और हमने जब इसे कद्दूकस किया तो उसमें से काफ़ी मिल्क रिलीज़ हुआ था, लेकिन अगर आप देसी भुट्टा इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है आपको दूध की क्वांटिटी थोड़ी सी और बढ़ानी पड़ेगी। हम यहाँ पर दूध को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब पैन को कवर करके हम करीबन 4 से 5 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। जितनी धीमी आंच पर ये भुट्टा पकेगा उतना ही उसका टेस्ट अच्छा आएगा। अब जब भी भुट्टे का कीस बनाए ध्यान रखें आप इसे नॉनस्टिक पैन में ही बनाइएगा, ताकि ये नीचे चिपके भी नहीं और बहुत ही आसानी से डिश तैयार हो जाएगी। भुट्टे से बनने वाला ये जो नाश्ता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, हेल्दी भी है और बहुत ही कम सामग्री का भी इसमें इस्तेमाल होता है। बहुत ही नॉर्मल जो हम हर एक के घर में अवेलेबल होती है वही सामग्री लगती है इसमें। आप देख सकते हैं हमारा जो मिक्सचर है वो काफ़ी अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी शक्कर, स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा सा लेमन जूस, और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। शुगर कितनी डालनी है वो बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन मैं बहुत रिकमेंड करूँगी थोड़ी शक्कर ज़रूर डालिएगा, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। लीजिए भुट्टे का केस बिल्कुल तैयार है, हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो हम इसे गार्निश करेंगे ताज़े नारियल से जिसे हमने कद्दूकस कर लिया है, और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया। लीजिए बिल्कुल तैयार है ये इंदौर का फेमस स्ट्रीट फूड भुट्टे का कीस। तो इस सीज़न आप भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए भुट्टे से बनने वाला ये नाश्ता। आपको मेरे रेसिपी और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।